إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمین الحمد لله آज 26 सितंबर 2021 की ये कुरान क्लास नंबर 94 की रिकॉर्डिंग होने जा रही है पिछली दफा हमारी गुफ्तगुफ कंक्लूड हुई थी सुरत-ul मायदा की आयत नंबर 35 पे जो बहुत क्रिटिकल आयत है ख़USUSAN सब कंटिनेंट में चूँकि यहाँ पर वसीले का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है उस कॉन्सेप्ट से जो और में आया उस पर मैंने कुछ तफसीली गुफ्तु की थी और उसके साथ ही मैंने रेफरेंस के तौर पर दो वीडियोज़ बताई थी मसला फोटी थ्री वसीला और तवसल के सही अहकाम मसाइल और एक और वीडियो वसीले के नाम पर धोखा वो दो वीडियोज़ चूँकि डिटेल्ड हैं एक और तीसरी वीडियो भी है मुझे अपने बात तुमसे से शिर्क का खौफ नहीं इन सारी वीडियोस में इससे जो घुंधे हुए टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस हुए हैं अब मैं अगर इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तु करूं तो तीन से चार घंटे मज़ीद चाहिए लेकिन चूंकि हम यहाँ पर तर्जमा और मुख्तसर तशरी कवर कर रहे हैं इसलिए मैं रेफरेंस देती हूँ बहल इतनी गुफ्तू जरूर करता हूँ जो ज़रूरी हो जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा वसीले की अकसाम बताई पाँच उसकी कैटागरीज बताइं उस पर मैंने सैर असल गुफ्तु की थी और ये बताया था कि वसीले का कॉन्सेप्ट जो हमें बताया जाता है ये बिल्कुल डिफरेंट है और एक बड़ा महदूद है जबकि कुरान का जो वसीले का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी वर्स्टाइल है नेकी का कोई भी काम वो भी वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का कुरान में जिस वसीले का जिक्र है ना मद के साथ वो ये वसीला है वसायन बसबरी वसला नमाज और सबर के जरिए अल्लाह की मदद चाहो यानी नेक नमाल के जरिए इसके बाद अगर किस चीज का जिक्र है तो वो उस वसीले का जिक्र है जो अल्लाह के असमा से वसीला पकड़ा जाता है जिस तरह मैंने शुरू में असमायजम अल्लाह के पढ़े हैं उसकी जड़ क्या है वल्ला ही असमा उलहस्ना भी अल्लाह के लिए तमाम अच्छे नाम है उसके नामों के साथ उसको पुकारो तीसरा वसीला जिसमें कुरान में, में जिक्र है वो है किसी नेक बंदे से दुआ करवाना जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गलतियों के बाद उनके भाइयों ने उनसे जो ज्यादतियाँ की उसके बाद अपने बाप से कहा आप हमारे लिए दुआ करें अलैहिस्सलाम को कई जगह कुरान में आया हुक्म दिया गया कि आप अपने साथियों के लिए दुआ करें आपकी दुआ इनके दिलों का सुकून है यहां तक अल्लाह ताला ने फरमाया फिर जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिस हैंडलिंग करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सूर अन के आयत नंबर सिक्सटी फोर में आया वलऊ अनु अनफुम जाऊ का जिन्होंने हज़ूर के साथ गद्दारी की है और तागूत से फैसले करवाएं अब इनको चाहिए कि इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया अब रसुल्ला के पास आके मुआफ़ी मांगे नबी इलास्म इनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि किब्र रसूल से जाके करना है बल्कि हज़ूसलाम जब सामने मौजूद हों इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा गुफ्तु की थी एक आयत जो अल-वसीला के लफ्ज के साथ सूर्य बनी इसराइल में आई है बड़ी नासाफी है कि इस जगह पर उस आयत का जिक्र मैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर ना करूँ पिछली दफ़ा चूंकि टाइम थोड़ा था कुरान क्लास का जो हमारा दुरानिया है एक घंटे के अंदर होता है पचपन मिनट से लेके फिफ्टी नाइन मिनट्स तक तो वो चूंकि मुकम्मल हो चुका था इसलिए मैंने इसको उस वक्त स्किप कर दिया था आज स्टार्ट ही मैं हम उसे कवर कर लेते हैं सूर्य बनी इसराइल की आयत नंबर है 56 सूरत नंबर 17 आयत नंबर 56 सिक्स आऊद बिल्लाहिमिन शहीदान रजीम ओली दौल्लाजीना जाम तुम मिन धोनी ए नबी इनसे फरमाओ कि जिन हस्तियों के बारे में तुम्हें जोम है ना कि वो तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकते हैं अल्लाह के सिवा उनको पुकार के देख लो फला यमलिकू नश दुर ना तो तुमसे कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं कहते हैं ना जी जो ग्यारहवीं देता है तो उसकी तकलीफ उससे पलट के दुश्मनों पर चली जाती है तो वह अल्लाह ने नफी कर दी कि ना तो कोई तकलीफ किसी से दूर कर सकता है ना उसकी आई हुई तकलीफ किसी और के ऊपर डाल सकता है अब यहां पर जब हम इतना हिस्सा बयान करेंगे ये तो बुतों के बारे में है औलियाल्ला के बारे में फरिश्तों के बारे में अंबिया के बारे में नहीं है अच्छा अगली आयत पढ़ लेते हैं उला इकल्दी यदून, ये लोग जिन हस्तियों को पुकार रहे हैं उनका अपना हाल ये है यदरूना इला रबिमुल वसीला जिनको ये पुकार रहे हैं वो तो खुद अपने रब के पास वसीला तलाश करते हैं पंजाबी वाला वसीला नहीं अरबी वाला वसीला तलाश करते हैं इससे मुराद फिर क्या हुआ नेक एक बंदे बुध तो वसीला नहीं तलाश कर रहे ना उनके ऊपर तो कोई शरीयत की ऑब्लिगेशन नहीं है अल्लाह तमारा जिन हस्तियों को ये पुकार रहे हैं ना वो तो खुद अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करते हैं क्या वसीला तलाश करते हैं अय्यू अक्राबू के कौन अल्लाह के जितना करीब हो सकता है वह करीब हो जाए अल्लाह के करीब होने का मतलब क्या है उसकी दादगुजारी ने कमाल में इस जो नबी इस्लाम ने हमें दुआ तालीम की हर फर्ज नमाज के बाद अबू दाऊद और तेरम में अल्ला आयनी अ शिक्री का वह इबादत और रब्बी आइन्नी अला का व शिक्री का वहन इबादत दोनों अल्फाज के साथ है अल्लाह मेरी मदद फरमा जिक्र करने पर और तेरा शिक्र अदा करने पर और एहसन तरीके से मैं तेरी इबादत कर सकू इसमें मेरी मदद कर है अल्लाह फिर जो मैंने आपको दुआ बताई थी जो नबीलाम की ख्वाहिश है कि मेरे हर उम्मती को याद हो जो नबीसलाम को अल्लाह की ख्वाब में ज्यारत हुई थी जामिया तिरमजी में हदीस मौजूद है सेवन फोर्टी एट नंबर पर वो हदीस है उसमें जो हजूर की दुआ है जो आपने अल्लाह तला से डायरेक्ट मांगा जब अल्लाह को देखा ख्वाब में अल्लाई रौत वन के मुझे अपनी मोहब्बत दे हर उस शख्स की मोहब्बत दे जिससे तू मोहब्बत करता है और हर उस अमल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे जो मुझे तेरा कुर्ब दे दे यहां क्या क्या अमल करीब करने के लिए और शख्सियत कोई होगी तो वह वक्त का पैम्बर होगा कि आप उसकी मोहब्बत दिल में रख के उसकी इतात करें इसी को रसूल कहा गया तो अल्लाह तो अल्ला अल्ला तो हर वक्त खुद अल्लाह से रहमत का सवाल करते हैं और डरते रहते हैं उसके अजाब से यहां कहते हैं मोला ने फरमाया था ना तो मैं जन्नत के लालच में इबादत करता हूं ना जहन्नम के खौफ से ये जन्नत शैतान ने बनाई है या अल्लाह ने जहन्नम शैतान ने बनाई है या अल्लाह ने तो मौलाली कब ये कर सकते हैं बात जब जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने बनाया है तो जन्नत की लालच अल्लाह की नेमतों की लालच है क्योंकि जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा कौन बदब्त होगा जो जन्नत का सवाल ना करे सही मुस्लिम में हदीस है अदीस नबीसलाम जब भी नमाज़ पढ़ते हुए जन्नत की आयात आती तो अल्लाह से जन्नत मांगते हैं जब जहन्नम की आयात आती तो जहन्नम के अजाब के अगेंस्ट अल्लाह से पनाह मांगते हैं तो जन्नत का सवाल करते थे तो आप मौला अली की तरफ ही झूठ मनसूब कर रहे हैं कभी रबरिया की तरफ झूठ मनसूब करते हैं चले राबा बसरिया की तो हमें कोई फिक्र नहीं वो तो आपके साथ लेना देना है मौला अली पे तो हम आपको झूठ नहीं मानने देंगे उनकी तलीमत तो ये नहीं है और कुरान क्या कह रहा है कि मेरे नेक बंदे मुझसे रहमत का सवाल करते हैं और डरते रहते हैं मेरे अजाब से और अगली बात बड़ी सख्त है इन्ना अजाब रबी का का ना ए नबी तेरे रब का अजाब चीज ही ऐसी है कि उससे डरा जाए जी बेखौफ नहीं आप हो सकते अल फुरकान में नेक बंदों की निशानी क्या आई है रब न सिर्फ अन्ना आजाब जहन्नम इन्ना आजाब हा रब हमारे हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे बेशक जहन्नम का अजाब हमारे गले का फंदा बन चुका है हर वक्त लटकती तलवार है हमसे ये दूर कर दे ये नेक बंदों की निशानी है सुनबी दऊद में इस्लाम की हदीस है फजर और मगरब के बाद सात दफा जिक्र अल्लाहुम्मा अल्लाजर नी मिनार अल्लाह बचा ले मुझे आग से सर फिर हम क्यों ना कहें कि मरने से पहले अः मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और किताबों का पैगंबर और है बाबों का पैगंबर और जी ये किताबों वाला पैगंबर है जिसकी तलीमात ये है तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नेक बंदे जिनको तुम पुकार रहे हो ना ना वो तकलीफ दूर कर सकते हैं काम भी खत्म और वो तो खुद अल्लाह से रहमत मांगते रहते हैं मुराद ये कि जो वो कर रहे हैं ना तुम भी वही करो हाँ जी सरात नाम ना तो अल्लाह को पुकारते थे आपने तालीम को पुकारना शुरू कर दिया ईसा ने मरियम इमामुल मुवाहिदीन थे आपने ईसा ने मरियम को पुकारना शुरू कर दिया डिविनिटी में क्लेम कर दिया कितना फर्क है और इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे जी ये तो चले आप बयान कर रहे हैं कोई हदीस भी बताएं ना इसका शान नजूल सुन लें इसी आयत का शान नजूल बुखारी और मुस्लिम दोनों में है और ये मैंने अपने रिसर्च पेपर्स में भी बयान किया है अपने लेक्चर्स में दुआ सिर्फ अल्लाह ही से उसमें भी बयान किया बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ये आयत पता नाजिल कब हुई थी इबन मसूद कहते हैं कि जमाने जहलीत में लोग जब जंगलों में जाते थे ना तो कहते थे कि हम इस जंगल का जो बड़ा जिन है बादशाह उसकी पनाह में आते हैं कि यहां की कोई भी मुसीबत हमें ना पहुंचे मेरे भाई अगर इस तरह कोई पनाह हासिल कर सकता तो सहाब की तलवारों से उस वक्त के जादूगर जो एक्सपर्ट थे यहूदियों के वो जंगे यरमूक और कादसिया में सहाबा को शिकस्त दे लेते ऐसे कुछ भी नहीं होता मेरे भाई Allah के मानने वालों को शैतान के पुजारी कभी शिकस्त नहीं दे सकते बशरते अल्लाह के मानने वाले अल्लाह पे यकीन रखने वाले हों जो सूरतमून में अल्लाह ने फरमाया है कि शैतिन तो उतरते ही उन लोगों के ऊपर हैं उनके हमनवा बनते हैं जो अपने रब के साथ शिरक करते हैं मवाहिद के तो करीब नहीं भटकता मेरे पास एक बंदा है वो कहते जी मैं वो हमजाद और वो आपके हमजाद के साथ और वो जो अटैच है करूँ मैं करके देख कहता नहीं, नहीं बड़े भरे हो तो नहीं लगता कोई मैंने कहा बात ये नहीं है आप अल्लाह के जितने भी करीब हैं ना उतने शैतिन आपसे दूर भागते हैं सूर्य जुखरफ में आया कि जो लोग अपने रब के जिक्र से रू गर्दानी करते हैं हम उन पर शैतान मुसलत कर देते हैं वो उसका साथी बन जाता है और जो अल्लाह का जिक्र करता है वो इन चीज़ों से बच के रहता है तो इबन मसूद कहते हैं ये आयात सूर्य बनी इसराइल की आयत फिफ्टी सिक्स और सेवन उस वक्त नाजिल हुई कि लोग जिन्नात की पना हासिल करते थे और वह जिन्नात खुद मुसलमान हो गए अब जब लोग जाके जिन्नात की पना जंगलों में हासिल करते थे तो जिन्नात तो खुद अल्लाह से मांग रहे थे क्योंकि कुरान में आया कि जिन हस्तियों को यह पुकार रहे हैं वो तो खुद अल्लाह से अपनी रहमत की उम्मीदवार है और इन जायलों को पता ही नहीं था कि जिनको हम मुश्किल कुशा माने हुए हैं वो तो खुद अल्लाह के पुकारने वाले हैं उन्होंने इनकी क्या मदद करनी है वो तो खुद अल्लाह के मोहताज है सूर्य अल जिन में भी आता है ना कि वो जिन्नों की गुफ्तगु अल्लाह ने नकल की है ना उसमें वो ये कहते हैं जिन के जब से इंसानों ने जिन्नात से पना हासिल करनी शुरू की है तो ये जिन्नात जो है ना वो खाम खा फोड़ में आ गए उन्होंने अपने आप को बड़ा कुछ समझना शुरू कर दिया है हालांकि है कुछ नहीं वो जिन्नात की सरकशी में इजाफा कर दिया सर आप किसी को खाम खा कुछ बनाना शुरू कर दें ठीक है जी कोई दुनिया में भी आप देखें ना आप किसी बंदे को थोड़ी सी भूख चढ़ाए तो वो बाकी भूख खुद अपने ऊपर चढ़ा लेता है हालांकि करना कराना कुछ भी नहीं होता इन्होंने अगर कोई समझता है कि उसके कब्जे में जिन्नात है और वो कुछ कर सकता है तो मेरे भाई पाकिस्तान का कर्जा उतार दे इन जिन्नात को यूज करके एक डैम ही बनाते जिन तो हम उनको मान रहे हैं जिन्होंने 10 साल में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना दिया चाइनीज ने 60 बिलियन किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है वो 60 अरब किलोवाट हो किलो वाटा जनाब पंजा पेगावाट तुम सोवाच फे हो अगले बिलियन की गल कर रहे भाई जिनात ने तामीर करवाया ना जिन्नाथ से हजरत सुलेमान इस्लाम ने टेंपल ऑफ सुलेमान तो नजर आ रहा है आप एक डैम बनवा दें ये बाशा डैम बनवा दें बाला डैम बनवा दें हमारे बेचारे इंजीनियर जाके बनाएंगे तो वहां के लोकल लोग जो है उनको मारेंगे पोलिटिकल रीजन की वजह से जिन्हात तो नजर ही नहीं आएंगे चुप करके वो सुबह उठें सारे पठान और कालाबाग डैम तैयार हो बाबों से मेरी रिक्वेस्ट है ये करें हम भी आपके लिए तारीफी कुछ मिले कोई बोल देंगे पाकिस्तान का कर्ज उतार दें और जो अमेरिका ने इतने बड़े पहाड़ों की टनस के अंदर जो है वो हजारों टन सोना स्टोर किया हुआ है अपनी मर्जी से वो डॉलर की कीमत को ऊपर नीचे करते हैं हमारे सोने की कीमत डॉलर की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है हालांकि सोने की वजह से डॉलर को ऊपर नीचे होना चाहिए उलट है डॉलर की वजह से सोना ऊपर नीचे होता है को दो चार रेड़िया ही चुक के लाओ तख्ते बिल्किस चुकने की गल कर दो लिया करो हो सकता है कोई ये कि नहीं नहीं वो नेक जिन्नात हैं वो इस तरह माल किसी का चोरी नहीं करते चलो माल गनीमत समझ के चोरी कर लो यार ठीक है इन्होंने हमसे ही सब कुछ हथियाया हुआ है ये हमारा हक है करके बताएं कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई ये सब फ्रॉड है तो अल्लाह तला फरमा ये तो खुद वो हंसती हैं वो तो अल्लाह से मांगती हैं दुनिया बदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी बहरअल मेरा ख्याल ये आयत काफी थी इस हवाले से डिस्कशन अब अल्लाह का नाम लेके आज की जो दर्श की अगली आयात हैं वो शुरू करते हैं

यानी प्लैनेट अर्थ पे जितने भी खजाने हैं वो एक बंदे के पास आ जाए क्यामत के दिन ये तो पॉसिबल ही नहीं दुनिया में नहीं आ रहे तो आखिरत में तो कंगाल ही उठना है सब ने कपड़े नहीं होने जिसम के ऊपर सही बुखारी में आता है कपड़े भी नहीं होंगे सबसे पहले हजरत इब्राहिम को लिबास पहनाया जाएगा और फिर बाकी अंबिया को बाकी तो सारे बाबे शाबे सारे नंगे होने उठे सिर्फ अम्बिया के लिबास का जिक्र आया हाँ तो जो बाबे इधर नंगे हैं उनका एहतराम कर लिए करें आगे भी नंगे ही होना है इन्होंने अच्छा और इसके मिसल और दौलत हो जाए लियफ तदूब ही मिन और बिलफर्ज उनको यह कहा जाए क्या के दिन के इस जमीन में जितनी प्लान अर्थ पे सोना चांदी हीरे जवाहरात तेल ठीक है जी इसके अलावा आप कीमती पत्थर जो भी दौलत है अगर इतनी और तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम अल्लाह के अजाब से बचने के लिए यह फिदिया कर दोगे तो कहेंगे बिल्कुल लेकिन अल्लाह नहीं कबूल करेगा माँ तो मिन हूं क्या के दिन अल्लाह वो भी उनसे कबूल नहीं करेगा ये समझाने के लिए होना कोई नहीं ऐसे लेकिन अल्लाह कह रहा बिल बिलफर्ज अगर कोई ये करे भी इस कॉन्टेक्स में मुझे एक वाक याद आया अब्बासी खलीफा थे हारून रशीद उनके अंदर बड़ी पॉजिटिव चीजें भी मौजूद थी उनके दरबार में एक मुहदस थे तो सख्त गर्मियों में उन्होंने पानी पीने के लिए मंगवाया तो उनको दावत करने का मौका मिल गया जब वो पानी पीने लगे उनका अमी उमिन एक मिनट आप जंगल में अकेले हो आपको सख्त प्यास लगी हुई हो पानी मौजूद ना हो इस एक गिलास पानी की कीमत आप कितनी देंगे अब वो भी सच्चा था मेरा ख्याल हमसे भी को पूछे तो जान में चलना तो पहली चीज उसने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत भी दे दूं तीन बरेआजमों में फैरी हुई अब्बासी अम्पायर आधी सल्तनत दे दूं इस पानी को हासिल करने के लिए जाहिर है जिंदगी बचानी है सल्तनत को क्या करना है बचा के अगर जिंदगी बचती हो उनका अमीरमीना पी लें उन्होंने पिया पी पीने के बाद उन्होंने कहा अब अगर यह पानी आपके जिसम से बाहर ना निकले और आपका पेशाब बंद हो जाए फिर आप क्या इसके इलाज पे खर्च करेंगे उसने कहा वल्लाह पूरी सल्तनत दे दूं तो उनका ए अमीर उलमिन जिस बादशाहत की कीमत एक गिलास पानी और उसका पेशाब हो उस पर अकड़ कैसी अल्लाह की तो हम नेमतों को शुक्र नहीं देख लोग कहते अल्लाह ने क्या दिया अल्लाह ने यह दिया कि आप रात को एक अच्छा खाना खा के पानी पी के सोते हैं और सुबह जब उठते हैं अगरचे आपने फजर ना भी पड़ी भी हो आपके गुर्दे आपका मसाना यह नहीं कहता कि पुत्र आज तू फजर नहीं पड़ी तो मैं बाहर ही नहीं निकलना पेशाब नहीं हूँ मैं कर तनु कर्म देना तनु मैं अस्पताल को है नहीं रात को गुर्दे आपका डायलिसिस का काम करते हैं आपका मैदा अपना काम करता है मसाना पेशाब स्टोर करता है आप बेनमाज़ी भी हैं सुबह उठ के आराम से पेशाब कर लेते हैं तो ये अरबों रुपए का काम हो रहा है बंद हो जाए तो को खोल के बताए तो ये कोई छोटी बात नहीं है अल्लाह तला जो फरमा रहा है यू रीदूना नार वहम आजाब उन अलीम और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब होगा यानी छुटकारा भी नहीं होना और अजाब से भी नहीं जान छूटनी आई खरुजू बड़ी कोशिश करना चाहेंगे बहुत चाहेंगे कि किसी तरीके से आग से निकल जाए बिखार जीन लेकिन वो निकल नहीं सकेंगे मिन हा उसमें से वह आजाबउ मुकीम और वहां तो उनके लिए हमेशा रहने का अजाब होगा اللهم لا تجعلنا منهم اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما آمين لجي دادي بعد اب बोरियत ख़त्म करने के लिए रुख किसी और तरफ जा रहा है चूंकि सूरतमादा है सूरतमादा शरीत महमदिया सल्ला के फाइनल अहकाम हैं जिसका ब्लू प्रिंट सूरतुल्बकर था अब ये आखिर में जो अहकाम नाजिल हुए ये वो हैं तो चूँकि अब एक इस्लामिक आप समझ लें निज़ाम बन चुका है स्टेट आ चुकी है तो उसमें जो खुदाई कवानी हैं उनके इतलाक़ की बारी आ चुकी है तो चोर की सजा बताई जा रही है अब ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है चोरी वाला क्योंकि पूरी इंसानियत दो चीजों पे खड़ी है एहतराम जान और एहतराम माल तीसरी चीज नहीं आप बता सकते जान और माल जुडिशरी भी इसीलिए कायम की जाती है कि जान और माल की हिफाजत को इंश्योर करे और बुखारी मुस्लिम हदीस है जो ने ईद के दिन खुतबा दिया था यौम नहर क़ुरबानी के दिन आपने फरमाया था ना कि आज कौन सा दिन है ये कौन सा शहर है ये कौन सा महीना है फिर सहाय कर राम ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं फिर आपने पूछा कि क्या यह शहर मक् नहीं है ये हरमत वाला महीना जो है जुल्हीजा का नहीं है और आज यौमर दस जुल्हीजा हरमत वाला दिन नहीं है तो जिस तरह यह महीना यह शहर मक् और आज के दिन की हरमत है इसी तरीके से एक मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू दूसरे पर उसी तरीके से हराम है जिस तरीके से इन जगहों की इस महीने और इस दिन की हरमत है जान माल इज्जत आबरू इज्जत आबरू भी जान में ही आ जाती है किसी को शेल्टर देना कि जान की हिफाजत है उसकी सिक्योरिटी जान और माल दोनों के ऊपर है तो इंसानियत दो चीजों पर खड़ी है एहतराम जान एहतराम माल जो तो मौलाली का कॉल है ना कि कोई भी मुआरा बगैर दीन के तो चल सकता है बगैर इंसाफ के नहीं जब हम इंसाफ की बात करते हैं उसमें चीज क्या होती है कि मेरी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत उठाए तीसरी कोई चीज नहीं होती हर चीज जो आप गिन सकते हैं ना वो इसी दो कैटेगरी में फॉल करती है अब जान और माल में जान के वाले से तो आप पहले सुन चुके हैं कि जिसने एक जान को कतल किया पूरी इंसानियत को कतल किया जिसने एक जान को बचाया पूरी जान को पूरी इंसानियत को बचाया फिर सुर निसा में जो जानबूझ के मोमिन को कत्ल करे हमेशा की जहनम फिर सूरतुल्बकर में वालाकुम फिल कसासी हयात या उलबाब किसास में इंसानियत की जिंदगी छुपी है कत्ल के बदले कतल को कतल करो मुआफ़ ना करो डिस्करेज किया गया मुआफ़ी को कतल के केस में एहतराम जान तो पूरा कुरान भरा हुआ है एहतराम माल भी यहाँ पर आ गया यानी चोर की सजा माल चोरी करता है व सारी को चोरी करने वाला मर्द हो ये चोरी करने वाली औरत दोनों को अल्लाह ने जिक्र कर दी फारू आई दिया हुमा उनके हाथ काट दो नकाल ये बदला है और इबरतनाक सजा है अल्लाह की तरफ से उनके लिए लेकिन जहर इसकी डिटेल्स फिर बुखारी मुस्लिम में आई है कि वो माल की मालियत कितनी हो जिसके ऊपर हाथ कटेंगे अब अगर वो मजबूरी में उसने जान बचाने के लिए खाने की चीज चोरी की फिर उसके हाथ नहीं कटेंगे वेलफेयर स्टेट के अंदर तो ये बड़ी अयूद के साथ है ये नहीं कि कोई भी चोर है तो उसके हाथ काट देंगे और उस सूरत में कटेंगे जब वो जुडिशरी के सामने केस पेश हो जाए अगर जुडिशरी के सामने केस आने से पहले ही चोर अपना माल वापिस करके माफी मांग ले फिर हाथ नहीं कटेंगे लेकिन वंश जुडिशरी में केस चला अब जिसकी उसने चोरी की थी उसका माल वापिस भी कर दे तब भी तोबा नहीं है उसकी जब तक हाथ ना कटवा ले हां हाथ कटवा ले फिर दुनिया और आखिरत में तोबा हो जाएगी इसी तरीके से कातिल को अगर दुनिया में सजा मिल गई आखिरत की उसकी तोबा कबूल हो गई फिर वो नहीं कह सकता कि मैंने मुआफ किया चोर के हाथ कटेंगे क्यों डेटरस हो जाए मुआरे अब देख ले जहां पर सजाएं हैं यू ए के अंदर हाथ कटते हैं जी आप वहां पे दुकान सोने की भी खोल के ना चले जाएं कोई आपकी चोरी नहीं करेगा गाड़ी गाड़ी को लॉक भी ना करें आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी जनाब वो प्लान अर्थ से कहीं वो दूसरे सियारे में भी कोई ले जाए ना वो वहां से भी रिट्रीव करेंगे जो उनका पुलिस का निजाम है आज गोरे भी बड़े हैरान है उनके उन्होंने शेख को वहां पे बुला के कहा कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ चल रहे हैं उसने कहा कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है कि तुम्हारे मुल्क में एक मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए तो क्या हो जाता है जा तो हाथ कटवा के चांद के हाथ कटे सर चोर को अगर पता हो मेरे हाथ कट जाने और फिर वो पूरी डिटेल्स है हदीस के अंदर पूरा चैप्टर है आपको मिशकात की दूसरी चीज में बुखारी मुस्लिम उदरमी के हवाले से एक दफा चोरी करेगा एक हाथ कटेगा दूसरी दफा चोरी करेगा दूसरा हाथ कटेगा फिर चोरी में मुआवनत की किसी के साथ फिर उसका टांग कटेगी फिर उसके बाद अगली टांग कटेगी और अगर चोर के हाथ कटे हैं, तो अब वो शरीर माजूर है उसका खर्चा स्टेट उठाएगी जी ये नहीं है कि उस पर के लिए दाग लग गया जिसके हाथ कटते हैं उनके वजीफे लगाते हैं वो भाई अब ये काम नहीं कर सकता वेलफेयर स्टेट में हम इसका खर्चा दें तो जिसने हाथ कटवाने तो कटवा ले वहां जाके ठीक है तो इस्लामिक सजाओं की डेटर की वजह से मुस्तकबिल के लोगों के हाथ बच जाते हैं एक चोर का हाथ कटता है ना हजारों लोगों के हाथ बच जाते हैं और जिन हजारों की उन्होंने चोरियां करनी है उनका माल बचता है और आपको पता है चोर तो का जाते वे गोली भी मार जाते हैं चोरी को आप छोटी चीज समझ रहे कई चोरियों के अंदर बंदे नहीं मार जाते तो ये चोरी को कहने में तो चोरी माल की है लेकिन वो तो जान भी कतल हो जाती है उसके बस ये नहीं होता तो लिहाजा चोरी बहुत बड़ी चीज थी लिहाजा ये दोनों चीजों की सजा कुरान में आई कतल के बदले कतल और चोर की सजा हद तक इसका क्लाइमैक्स बुहारी और मुस्लिम दोनों में है एक आली खानदान की औरत जिसका नाम फातिमा था उसकी चोरी का मुकदमा जब नबी नबीस्म के सामने पेश हुआ तो साहब इक्राम आपस में मशवरा करने लगे कि ये तो बड़ा आली खानदान है ज़ूर को सिफारिश करवाते हैं लेकिन जरूरत अब किसी की नहीं हो रही थी कि भाई किसको आगे करें उनका ज्यादा इन्हें आरसा को भेजते हैं हजूर का लाडला है भाई हजूर का लाडला जितना मर्जी लाडला हो अल्लाह के आहकाम के मामले में नबीस्म से ज्यादा सख्त कोई नहीं था और अपनी ज़ात के मामले में आपसे बड़ा रहीम कोई नहीं था यह उसी पर अंबर नहीं कहा ना कि जो लोग फजर की नमाज में मस्जिद में नहीं आते बुखारी मुस्लिम अदीस है घरों में मर्द पढ़ लेते हैं मुझे औरतों बच्चों का ख्याल रहा मैं उनके घरों को आग लगा दूँ रहमत आलमीन का ही फतवा है ना अपनी जात के लिए नहीं अल्लाह के अकाम को स्टैब्लिश करने के लिए इस्लाम को जब सिफारिश की गई अब जैद तो था बच्चा उसामा इब इबा क्या बेटा के पोतों की मानत उसामा तो था बचा ने सामा पे गुस्सा ही नहीं किया आपने कहा जिस जो भेजने वाले हैं ना मैं उनको आपने नमाज के बाद कहा कि मेम्बर लगाओ मस्जिद में सबको इकट्ठा किया आप तुम मुझे अल्लाह के अहमाम के मामले में सिफारिश कर रहे हो तुमसे अगली कौमें इसी लिए बर्बाद हुई उनके शराफिया के लिए और कवानी और आम लोगों के लिए और होते थे अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातमा भी चोरी करती मैं उसके हाथ भी कटवा देता अब कोई अगली बात रह गई थी हजूर ने अल्लाह के अहकाम को इस्टेबलिश करने के लिए खातून जन्नत हजूर की लाडली बच्ची जन्नती औरतों की सरदार उनकी भी मिसाल देने से गुरेज नहीं किया और ये कोई गुस्ताखी और तोहन शुमार नहीं किया जब कभी कोई मिसाल दी जाती है तो उसको मिसाल के तौर पर ही लेना चाहिए मैंने वो पिछली वीडियो में हाँ मैंने कहा कि जमीनोंसमान की सारी मखलूक सारे जिन सारे फरिश्ते सारे पैगंबर भी मिल के किसी के हक में झूठी गवाही दे दें क्या अल्लाह तला उस गवाही के ऊपर यकीन करके उस शख्स को सजा देगा नहीं तो मैंने ये बताया था ये अल्लाह में और मखलूक में फर्क है जो आप कहते हो ना कि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी सीढ़ी चाहिए तो दुनिया में तो सजा के लिए जज चाहिए तो जज का फैसला हतमी होता है तो जज तो फिर दुनिया में झूठे गवाहों के ऊपर भी फैसला करेगा और उसे अल्लाह की तरफ से हुक्म भी यही है अगर एक बंदा ने झूठी कसम की वो तो दिल के हाल तो नहीं जानता लेकिन अल्लाह ताला के लिए फिर जज की मिसाल तो नहीं दी जा सकती लिहाजा अल्लाह के लिए सीढ़ी और छत की मिसाल भी नहीं दी जा सकती तो वो एक भाई ने मुझे ना उदरस में बैठे थे बाद में टेक्स्ट मैसेज किया जी ये जुमला काट दें उसमें से ना मैंने कहा क्यों कहते जी ये तो हो नहीं सकता तोहिन हो जाएगी मैंने कहा इससे बड़ी तोहिन कुरान में हुई है फिर आपकी नजर में सूर्य अलनाम आयत नंबर एटी टू में अठारह नबियों का जिक्र अल्लाह ने किया है बाई नेम और सारे टॉप क्लास पैगंबर यानी पच्चीस में से अठारह का जिक्र इंक्लूडिंग इब्रहीम खली ईसाइब ने मरियम ूसा अयूब इसमाइल एंड पे अल्लाह ने कहा अगर ये भी शिरक करते हैं ना तो हम इनके भी अमाल बर्बाद कर देते तो शिरफ नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह ने कहा व शरकू अगर यह भी शिरक करें इनको भी नहीं मैं छोड़ूंगा और हमारे नबी के लिए भी आया है वही का वधी का नबी तुम फरमाओ मुझे भी अल्लाह ने यह वही की है किए सोरेमर में मुझसे पहले तमाम नबियों की तरफ ये वही आई इन अमलुक। अगर बिलफर्ज तुमने भी शिर किया तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे तुम भी खसारा पाने वालों में से हो जाओगे इमामुल इमाम को कहा जा रहा है अगर आपने भी शिर किया किस लिए ताकि कोई बबे के लिए कोई चीज क्लेम ना कर ले लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आए हजूर से तो किलवाया गया सूर्य अजुमर में सूर्य यूनुस में सूर अलनाम में उल इन अखाफ इन आसाई तो रबी आदाब कि बिल फर्ज अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे भी खौफ है कि बड़े दिन का आजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। तो फिर मैं बाबे ते ही कोई नहीं। क्यों रखू बा क्यों हजूराम के बारे में ये बात आ रही है इसलिए कि बाबों के बारे में क्लेम ना करे कोई यह ना कहे कि अब्दुल का रू खोली कोई यह ना के कबर में अब्दुल कादर जिलानी पहुंच गए तो अल्लाह ने कहा हम ना पवो फरिशते हो भाई कोई फड़े तो सही खबर है फरिश्तिया ने उन्होंने भी घोड़े थले दे हाँ कोई है ना किसी भुलेखा तो कट देखे फरिश्ते किसी समझते हैं वो तो भाई रोबोटिक आर्म है वो तो एक मशीन है जिसते भावे बुजुर्ग चाड़ दो तो भावें कोई काफर चाड़ दौ जोड़ा भी पुट्ठे काम करेगा उन्होंने जनाब गुर चुके जो बुखारी में आता है कि वो मारेंगे और उस मुर्दे की चीख जमीन और समान की सारी मखलूकात सुनेगी सवाए जिनों और इंसान के तो चीखा बार सुनाई देना बुजुर्ग दियाँ सो कॉल्ड बुजुर्ग फिर तो यकीन आएगा बुजुर्ग तो कभी यह दावा नहीं करेंगे इन्होंने उनकी तरफ ये नहीं। जरानी का कसूर नहीं उनकी तरफ झूठ मनसूब किया है जैसे ईसाइयों ने ईसा ने मरियम की तरफ झूठ मंसूब किया तो ये मामला यानी बड़ा सख्त है इस हवाले से पूरा दिक्कत नजर से देखने की जरूरत है नबी इस्लाम को भी तालीम किया गया तो मैंने उनको भाइयों को जब ये आयात पेश की उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तो बाजूकात मैं जब कोई मिसाल देता हूं तो वो स्पोर्टिव होती है कुरानो हदीस से यहां पे भी नबीस्म ने अपनी बेटी की मिसाल दे के यानी आप कह दें कि उन्होंने कहा कनु कड लो तुसी। अगर फातिमा भी चोरी कर दी तो तुसी इस फातिमा की गल कर रहे हो फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती मैं उसे भी ना छोड़ता अल्लाह के अकाम के बारे में मुझसे कोई सिफारिश ना करे अच्छा अब यह आए तो वो जो लिबरल किस्म के जो मजहबी स्कॉलर हैं ना सो कॉल्ड गुलाम परवेज जैसे जिन्होंने कुरान के मुंह में अपना लुकमा डाला उन्होंने कहा कि ये जो आया ना चोर के हाथ काटो यहां हाथ काटने से मुराद है ऐसा निजाम कायम करो गोया कि उसके हाथ काट जाए कोई चोरी कर ही ना सके यानी ताले लाओ ए करो क्योंकि अब वो हाथ काटने के लिए तैयार ही नहीं है वो जब काफरों ने कहा ना ये जालमाना सजाएं तो उन्होंने कुरान को ही बदल दिया बजाय काफरों के सामने इसको जस्टिफाई करते लेकिन कुरान के अल्फाज इसकी हिफाजत कर रहे हैं क्यों अल्लाह तला मारा जजा अम बिमा कसबा नमल्ला ये सजा है ये जजा अरबी जुबान में सजा और इनाम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है जजा की अप्रोप्रियट ट्रांसलेशन है बदला ये बदला है उनकी इबरत नाक सजा अल्लाह की तरफ से तो यह तो फिर फिट इन बैठते ही नहीं है यानी ऐसा निजाम कायम करो कि लोग चोरी ना कर सकें यह अजाब है उनके ऊपर यह तो बनते ही नहीं है जब तक के हाथ ना कटे वल्लाहु अजीजुन हकीम अल्लाह ताला गालिब है फमनताबाबी वुलमी जो कोई तोबा कर ले जुलम के बाद वह असलह और अपनी सलाह कर ले तो फिर बेशक अल्लाह ताला भी तो फरमाएगा उसकी तरफ तोबा के साथ लेकिन तोबा कबूल उसी तरीके से होगी हार गुना की तोबा का तरीका डिफरेंट है एजेन में रखिएगा जब तक वह उस सजा से नहीं गुजरेगा उसकी तोबा कबूल नहीं है अब अगर कोई जानी कहता है कि जी मैंने जना किया अदालत में रिपोर्ट हो गया या जी मुझे माफ कर दे नहीं गैर शादीशुदा है सौ कोड़े लगेंगे सूर्य नूर के तहत शादीशुदा है तो संसार किया जाएगा हाँ जब संसार हो जाएगा फिर उस एहतराम से उसका जनाजा पढ़ के दफराएंगे उसकी तोबा कबूल है लेकिन खाली खुली तोबा नहीं है हर गुना की तोबा डिफरेंट है जिसने किसी का माल हथया जब तक वो माल उसको वापस नहीं करता सिर्फ तोबा इस्तफार पड़ने से उसकी तोबा कबूल नहीं है में रखिएगा तो यहां भी तोबा से मुराद है कि सदा भुगतने के बाद इन अल्लाह ताला वाला मेहरबान है ये इसलिए कहा गया इस टॉट ना करे मेड़ा ना मारे चोर जाए टोंडा हो है। नहीं ये नहीं किसी को कहना अल्लाह का और बंदे का मामला था खत्म हुआ आलम आलम लहू मुल क्या तुम नहीं जानते अल्ला ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाही, ही युदीब शाह जिसे चाहे वो अजाब दे व यगफिरमै शाह और जिसे चाहे वो बख्श दे वाह अदीर और अल्लाह तला हर चीज़ पर आदिर है लेकिन ये तो उसका एक रूल है लेकिन अल्लाह की सफत अदल भी है ये नहीं है कि अल्लाह तै जिसे चाहे बख्श दे जिसे चाहे अजाब दे इसका मतलब है कि किसी नेक बंदे कोजाब दे दे और किसी नबियों के मुजरमीन को जो है वो छोड़ दे जुर्म के मामले में तो वो छोड़ सकता है क्योंकि वो तो रिलैक्सेशन है लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अहले ईमान है उसके माल दुरुस्त है अल्लाह ताला उसे जहन्नम में फेंक दे अगर उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया ये तो हो सकता है कि किसी का गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया तो अल्लाह तला उसे रियायती नंबर दे के फिर आप अल्लाह कोई चैलेंज नहीं कर सकते तू तो जहनम का वादा किया था तूने तो कुरान में नाजल किया था जिसके अमाल हल्के पड़े उसके लिए मैं तो इसको क्यों नहीं भेज रहा भाई वो अल्लाह की वही थी सकता है नवीद सुनाई थी कि जिसका नेकियों का पड़ा भारी होगा उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा उसको अल्लाह नहीं दोकेगा वह वरना अल्लाह की सफते सिफ्ते अदल चैलेंज हो जाएगी इसीलिए अहल त ने इसी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अल्लाह पर अदल करना वाजिब है सुनी कहते हैं आप अल्लाह के पर वाजिब कर रहे हैं गुस्ताखी हो रही है आप उनकी उस इंटेंसिटी को समझें। आप भी इस चीज को मानते हैं लेकिन दूसरी टर्म डिवाइस की है वो कहते हैं ये मुहाल है कि अल्लाह ताला मूसा को जहन्नम में और फिर को जन्नत में भेज दे ये मुहाल है इसी को वो कह देते हैं कि सिफ्ते अदल के मुनाफी है बात दोनों एक ही कर रहे हैं किसी ने ऐसे कान पकड़ा हुआ है दूसरे में सीधा नहीं पकड़ा हुआ उसने भी ऐसे करके दूसरे वाला पकड़ा हुआ वा। है बात एक ही हो रही है मुख्तलिफ अंदाज के अंदर या रसूल, अल्लाह के रसूल खास रसूल यानी नबीस्म लाजील कुर आप गमगी ना हुआ करें उन लोगों के बारे में जो कुफर के बारे में तेजी दिखा रहे हैं जहरा झूर गमगीन तो होते थे ना एक जो लीडर होता है जिसने दावा हक बुलंद की है जब मुखालफी कोई जाल बुनते हैं उसे अपनी तो इतनी फिक्र नहीं होती लेकिन उसको अपनी साथियों की फिक्र होती है कि इनमें से कोई जो है वो राय हक से हाट ना जाए मसायब की जो बर्दाश्त ना करने के सबब या ये भी होता है कि बेचारा वो मसाहिब तो बर्दाश्त कर रहा है लेकिन उस पर तरस आ रहा है कि इसे इसकी वजह से तकलीफ उठानी पड़ रही है टीम लीडर को तो सबको साथ ले चलना होता है हज़ूर को तसली की जी, दी जा रही है कि जो आपके मुखालफिन है ना कुफर में जो बड़े बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं आप सुखम नागना हो मिनल अकाल आमन्ना खूस उन लोगों में से जिन्होंने कहा हम ईमान लाए बी अफवाह की हिम अपने मुंह से सिर्फ कहा वलम तो मिनब हम लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है इससे मुराद कौन है मुनाफिक जो अहल किबला थे अहल कलमा थे हज़ूर के साथ नमाजें पढ़ते थे ये लोग ज्यादा ख़तरनाक थे ना ये तो अंदर की खबरें भी बार लीक करते थे काफरों से तो इतना ख़तरा नहीं है वो तो दूर बैठे हुए हैं ख़तरा होता है मुनाफिकीन से बुखारी मुस्लिम अदीस है कई बार अब्दुल्ला इबन उबई की हरकतें जब सामने आई तो हज़रतमर ने कहीं यारसल्ला इजाजत दें मैं इसका गला काट दूँ आप फरमाया फिर लोग कहेंगे अपने सहाबा को कतल करवाता है यानी अब्दुल्ल अबन उबई को भी हज़ूर ने सहाबी कह दिया लेकिन वो कानून सहाबी था मुनाफिक था जुडिशरी में तो जाहिर पे फतवा लगेगा ना जुडिशरी में आप तो यह नहीं कह सकते कि इसके दिल के अंदर निफाक है भाई नमाजें पढ़ रहा है, दाढ़ी आपसे लंबी है उसकी मस्जिद में सबसे पहले पहुंचा होता है उन तो मुनाफिक किस तरह कहोगे वरना तो इंसाफ का निजाम ही धड़म से गिर पड़ेगा तो जूर फिर गम खाते थे कि इसको हम उस तरीके से कुछ कह भी नहीं सकते दूसरी तरफ भुगतना भी पड़ रहा है इसकी अर्कतों को तो अल्लाह ने तली दी आप टेंशन लेंदीन और जो यहूदी यहूदियों में भी अक्सर मुनाफिक थे मुशर अरब में कोई मुनाफिक नहीं था क्योंकि वो दिलेर लोग थे वो कहते थे हजूर को माना है धड़ल्ले से माना है इनकार किया तो धड़ल्ले से किया दरमियान की कोई चीज नहीं थी और यही उनकी खूबी थी इसी वजह से उन्होंने दुनिया उलट के रख दी जब किसी को जुबान देते थे फिर वो मर्द की जुबान होती थी मुशर अरब की वो कुरेश मक्का की ये सारे मुनाफिक थे अहले मदीना यानी मजहबी लोग दुनिया की लालच इन में ज्यादा होती है तो दुनिया के लालची जो लोग हैं वो दोनों पार्टियों को खुश रखते हैं क्योंकि तो उनको होता है कि कल को इधर नुकसान हुआ तो उधर भाग जाएंगे दरमियान में लटके रहते हैं सूर्य निशाम या मुनाफकीन के बारे में कितनी याद कवर की है मुनाफिकत की डेफिनेशन उस पर लादा से क्लिप भी मेरा अपलोड हुआ था उसी में से तो यहूदियों में ज्यादा थे क्योंकि तो यहूदी तो खुद ओस और खजरे को धमकियां लगाते थे जब आखिरी पैगंबर आएंगे हम ईमान लाएंगे औस और खजरे पहले मुसलमान हो गए अब ये भी मुंह रखने के लिए नबी इस्लाम को ऊपर से मान लिया अंदर से मुनाफिक थे जहलसी थी कि बनू इसमाइल में पैगम्बर क्यों आया सामने इसलिए नहीं आते थे डरपोक थे अब जब ये सूरत हाल हो तो टीम लीडर को तो फिर हर वक्त गम खाए जाता है ना जब आपके बंदों में ही ऐसे लोग घुसे हुए हों तो टेंशन तो होती है सम कदिब जासूसी करते हैं झूठ बोलने के लिए यह भी तर्जमा हो सकता है और झूठे किस्म के ये जासूस हैं इधर से बातें सुनते हैं को आधी बातें इधर से मिलाई कुछ खुद से मिला दी समून अली आखरीन सुनते हैं जासूसी करने के लिए दूसरी कौम की और यही इन्होंने किया ग़ज़बे खंडक में सारा इन्होंने लाके लोगों को चढ़ाया था ना मुसलमानों के ऊपर लम या अतूक जो नहीं आई आपके पास यानी वो कौम जो खुद तो अभी आपके पास नहीं आए हैं यहां बैठे भी उनको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उनको बता रहे हैं आज के दौर में बात अल कलिमा और ये बदल देते हैं अल्लाह की बातों को सही मौके से ये तो मैंने आपको बताया ना इनकी आदत थी वो जिस नाम पंजाबी में कहते हैं ना पांड जुगतबाज किस्म के लोग इन्होंने अपने पैगम्बरों के साथ भी यही कहा किया मरों के जरिए इनको कहा गया आपने कहना है समय ना वोना इन्होंने कहा समय नावासना हमने सुना और नाफरमानी की कहा गया कि तुमने योरशलम में दाखिल होना है आर्डजी के साथ उस किले की दीवार से झुकते हुए अल्लाह को सजदा करते और कहना है हिता तुन अल्लाह हमारी ग़लतियों को माफ कर ये झुकते हुए कहते थे हिंदुन अल्लाह हमें गंदुम चाहिए हर चीज का मजाक और यही कुछ नबी इस्लाम के साथ भी करते सावेक क़राम हजूर की बातें जब सुनते थे तो कहते थे वा या के रसूल हमने आपकी बात सुनी इत इार की अब ये तो ये नहीं कह सकते थे अपना गुस्सा भी निकाल टोलियों में बैठे होते थे वा सुना और आपकी नाफरमानी अब अगर किसी ने सुन लिया तो उसको कहा कि भाई अपने कानों का इलाज करो हमने औता ना कहा मूंग गोल करके ये कहते हैं इन ऊती तुम हाद फू अगर तो रसुल्ला तुम्हारे हक में इस तरह का कोई फैसला कर दें किसी मुकदमे में फिर तो हजूर के फैसले को मान लेना व इलम तो तऊ और अगर वो बात ना करें फैसले में जो तुम्हें पसंद है फाह धरू तो फिर तुम इनके फैसले को छोड़ देना बच जाना फैसले करवाते थे ये समझते थे कि नबीस्म हमारे हक में फैसला करेंगे चूंकि हम मुसलमान हैं अगर किसी यहूदी से झगड़ा हुआ है फैसला करवाने के लिए आगे इस तरह के हरकतें वो करते रहते थे तो नबी इस्लाम भी क्या करते थे फैसला करते थे इवन यहूदी बाजूका मुकदमा लेके आ जाते थे तो आप फिर तौरा से फैसला करवाते थे साब कराम जो तौरात जानते थे उनको साथ बिठा के वाहन तह और जिसको इरादा फरमा ले फितने में डालने का आजमाइश फलन तम लिखा शैया फिर अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं रखता उसके लिए किसी मामले में यानी अल्लाह जिसे गुमराह कर दे यानी गुमराह खुद नहीं अल्लाह ने किया बल्कि इनके करतूतों के सब अब इनको हदायत नहीं मिली अल्लाह ने ऐसे लोगों को इस काबिल ही नहीं समझा कि इनके दिलों को पाक करें चूंकि इनके अंदर पलीदी घुसी हुई है हक बात से इनाद करने की लहुम फि दुनिया खिजय इनके लिए दुनिया में है रसवाई वहम फिल आखिरत अवाबनवीम और आखिरत में इनके लिए अजाब अजीम है वह फिल आखिरती अज़न अवीन बहुत बड़ा अजाब है इसी को ज़ूर ने एक दुआ में जमा किया है जो अलमुस्तर हाकिम में भी है मुस्नद इमाम अहमद में भी अल्लाम आतना फ़िल कुल्लिहा मेरे तमाम कामों का अंजाम बेहतर कर दे आकी बताना फिलोरी कुल वजिर ना मिन खिज ये दुनिया व अजाबिल आखिर और मुझे दुनिया की रसवाई और आखिरत के अजाब से बचा ले यहां पर भी आया दुनिया की रसवाई और आखिरत का अजाब आमिर सम मिलकब ये सुनने वाले हैं झूठ के अक्लून लुहड़ और बड़े हराम खोर हैं अगर ये आपके पास आए फह कुम अब आपको अल्लाह इख्तियार देता है चाहे तो आप इनके लिए फैसला कर दें चाहे आप भी फैसला अपने बड़ों से जाके करवाओ यानी चूंकि आप मदीना में हजूर इस्लाम को एक उन्होंने लीडर के तौर पर यहूदियों ने भी मिसा मदीना की वजह से समझ लिया था ना फिर हजूर को ब्लैक मेल भी करते थे कि जी आप हमारे लीडर हैं हम आपका मुकदमा लेके आए आप सोने नहीं रहे हजूर को पता था ये करने आए हैं यहाँ पे दिल लगी करने के लिए और मजाक उड़ाएंगे फिर हजूर को यह भी होता था मेरी से दावत को नुकसान ना हो तो अल्लाह ने फिर कुरान में आपको एंडोर्स कर दिया कि आपकी मर्जी है कि आप इनके मुकदमे का फैसला करें हम आपको इजाजत देते हैं अगर आप एराज करना चाहते हैं तो कर दें व इन तो हम और अगर आप इनसे एराज करेंगे फलै या गुर का शई आ तो कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी लीडर को यह भी फिक्र होती है ना कि मैंने अगर ये कर दिया तो ये ना हो कि ये आके जाके प्रॉपे करें हमारी दावत को नुकसान हो वो तो कहा जाता है ना कि एक सेटिस्फाइड जो कस्टमर है वो चालीस कस्टमर चार कस्टमर और बनाता है और जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है वो अस्सी कस्टमर खराब करता है कि दुनिया में तो रूल चल जाता है लेकिन अल्लाह के कामों में यह है कि आपने सच्चाई की आवाज़ बुलंद करनी है अल्लाह की गैबी मदद होती है वरना आप देखें हमने इस प्लेटफॉर्म से जितनी नागवार और कड़वी दावत लांच की है इसको तो माशरे में एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलनी चाहिए थी फिर आजकल के मॉडर्न में जब आप किसी के साथ बात तोड़े तीखे अंदाज में करें तो आपकी सच्ची बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन सच्चाई में ताकत इतनी है कि मुखालफिन भी अंदाज में तो बहस कर रहे बात सही करता है उनके बच्चे सुन रहे होते हैं अपने बच्चों को होना भी नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली बात की सच्चाई पहुंच जाती है व इन हकम तफाह बिलकस्त और अगर आपको फैसला करना ही पड़ जाए किसी मामले में आप इख्तियार है आपको तो देखें आपने इंसाफ से फैसला करना है देखें हुजूर अलैहि सलाम को भी कहा जा रहा है आपने बायस्ड नहीं होना किसी में गुस्सा नहीं निकालना हालांकि यह चीज मुहाल है लेकिन बताया जा रहा है कि अगर मैं अपने पैगंबर से कह रहा हूं ना कि इंसाफ पे कायम रहना है तो तुमने भी इंसाफ पे ही कायम रहना है पैगंबरों के मानने वाले और जो कहते हैं जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं महबूब को अगर इंसाफ का हुक्म है तो तुमने भी किसी अल्लाह के साथ रिश्तेदारी वाला को मामला नहीं रखना जो अल्लाह का पैगम्बर है उसको भी कहा जा रहा है इंसाफ के साथ इन अबीन बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है इंसाफ करने वालों से वकीफ मुँह न और वो आपको मुनसिफ क्यों बनाते हैं ज़रूरत ही क्या है उनके पास तौरात मौजूद नहीं है फी हाक्म उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है आपके पास क्यों फैसला करवाने आते हैं तोरात में सारे अहकाम मौजूद है करें ना फैसला वो इसलिए तौरात में जो फतवे लिखे हुए हैं उनके खिलाफ होते थे तो वो चाहते थे हजूर इस्लाम कोई हमारे हाथ में कोई सॉफ्ट फैसला कर देंगे ताली कल्ब के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता था लेकिन इन्होंने फिर अल्लाह के हुक्म से रूगरदानी कर दी तो रात में अहकाम मौजूद थे वमा और ये ईमान वाले नहीं है यानी ईमान के दावेदार तो हैं लेकिन हकीकतन ईमान वाले नहीं हैं चाहे यहूदियों के बारे में हो या मुनाफकीन के बारे में मुनाफकीन भी कहते थे हम ईमान लेकर आए यहूदी भी कहते थे हम अल्लाह और पैगम्बरों के मानने वाले हैं अगर एक नबी को नहीं मानते तो इसका यह मतलब नहीं कि हम अल्लाह रसूलों के मानने वाले नहीं हैं तो अल्लाह तौर तो मारा कि जो पैगम्बरों की हदायत में से कुछ भी हिस्सा छोड़ देता है तो वह सिर्फ दावेदार है हकीकतन वो ईमान वाला नहीं तो सर इसको जरा मुसलमानों पर भी फिट कर लें कि मुसलमान भी जो अपने मर्जी का दीन का हिस्सा मानना चाहते हैं और बाकी का छोड़ना चाहते हैं तो वह कैसे अपने आप को मोमिन कह रहे हैं कुरान में आया ना उदखलूफिस एहलेमान पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ आधा दीन तो वो डॉक्टर सराज साहब कहते थे ये टोटल पैकेज है जिसने लेना है वो ले ले नहीं तो दफा हो जाएगा तो बड़े सख्त लफ्ज बोला करते थे और वाकई कुरान की दावत की जो सख्ती है वो यही है अब अगली आयात जो है ना जी बड़ी क्रिटिकल आयात है आयत नंबर फोर्टी फोर फिर उसके बाद फोर्टी फाइव और इवन 46 और 47 तक बड़े गाढ़े फतवे अल्लाह के लेकिन वो एक नशित में ही कवर करने का उसका मज़ा है वो मैं किरकरा नहीं करना चाहता अगली दफ़ा कुरान क्लास में, में वो तीनों आयात और बड़ी क्रिटिकल आयात हैं खूस जो आज कल खिलाफत के दावेदार लोग हैं और वो कहते हैं खिलाफत का निज़ाम कायम होना चाहिए वो इन आयात को कोट करते हैं अल्लाह ने तोरात का ज़िक्र किया उसके बाद इंजील का जिक्र किया फिर कुरान का जिक्र किया और तीनों के साथ तीन गाड़े फतवे लगाए पहला फतवा लगाया तोरात का जिक्र करने के बाद व मल्लम यहकुम बिमा अनजर अल्लाह जो कोई उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो हमने नाजिल किया फ्लाकाफिरन तो ऐसे लोग काफिर हैं यानी जो किताबुल्लह के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो काफिर है फिर अगले आयत के अंदर आया वह मल्लम यकुम बिमा अनजल्ला जो उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो हमने नाजिल किया फ़उला इकाहिमुन तो ऐसे लोग फिर ाल हैं फिर जाके आगे कहा व मल्लम युम बिमा अनजल्ला और जो उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया फ़ उला इकमल और ऐसे लोग फिर फासिक हैं यानी अल्लाह के बहुत बड़े मुजरिम हैं अब ये तीन आयात हैं इसी की बुनियाद पर वो जहादी तनज़ीमें भी अपना मामलात लेकर चल रही होती हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान का जुडिशरी का निज़ाम दुरुस्त नहीं है लिहाजा ये हुकूमतें काफिर हैं या रहने वाले भी काफिर हैं और जो थोड़े सॉफ्ट हैं वो कहते हैं अंडर प्रोटेस्ट रहें आप कोशिश करें और अपनी कोशिशें उनकी इतनी होती हैं ए सी वाली गाड़ियों में ए सी वाले कमरों में बैठ के दाल के ऊपर क्लिप रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं पच्चीस पच्चीस हज़ार की कुर्सीियों बैठ के और आपको कहते हैं कुफ़र के निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो कुफ़र के निज़ाम की कुर्सी में बैठे हुए कुफ़र के निज़ाम के कालीन पे बैठे हुए कुफर के निज़ाम के कंडीशन में बैठे हुए इंटरनेट उस निज़ाम का और उसमें बैठ के ये बातें कर रहे हैं तो बैलेंस बात करनी चाहिए हम ग्रॉस रूट लेवल से मामलात को लेकर चल रहे हैं और यही दावत का तरीका है यही पैगम्बरों का तरीका है बजाय लोगों को सिर्फ ज़ुबानी गलामी बात करने के सही पैटर्न के ऊपर मामला को लेकर चला जाए तो ये तीन आयात मैं इनशा अगली दफ़ा डिस्कस करूँगा अल्लाह तला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फरमा दे अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो हमारे दिलों ही से उसे धो डाले माफ़ कर दे हमें किताबों की सुनत की तलीमत पर अलम करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी के तब फ़रमाए सुबह नकमदिक اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا